दोस्तों आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको ऐसे शख्स से जो कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़ देकर और MBA कर बेच रहे हैं चाप। जी हां, इन्होंने खुद ही अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा MBA चाप के सेलर सौरभ शर्मा जी से। भैया क्रीम जाती है, क्रीम के अलावा इससे पहले इसमें एक पेस्ट हो गया था, मैं बताता हूं आपको। क्रीम जाती है, काजू मगज का पेस्ट जाता है। अच्छा, और क्या कहते हैं, स्पाइसेस जाते हैं। अच्छा, अजवाइन जाती है, इलायची वगैरह का पाउडर जाता है। तो ये कौन सी वाली चाप मैरिनेट हो रही है? ये इस पर जो मलाई चाप, ये मलाई चाप हो रही है। हाँ जी, लग चुकी है मलाई चाप। अब ये रोस्ट होगी और रोस्ट होने के बाद ये कस्टमर को सर्व कर दी जाएगी। ये रोस्ट होने के बाद इंडक्ट होगी। अच्छा, इंडक्ट भी होगी, इंडक्शन के जाने के बाद कस्टमर हो सकती है। तो अभी इसका भैया आप एक बात बताइए, आपने MBA कर रखी है? हाँ जी, जीआर यूनिवर्सिटी से MBA की। तो भैया आपको ये माइंड में कैसे आया जैसे MBA चाय वाला, तो आपको ये मतलब? मैं इसके एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ। ब्राह्मण हूँ तो मैंने क्या कहते हैं नाम रखा था पंडित जी चाप वाले, शर्मा जी चाप वाले। अच्छा, शर्मा जी सोच रहा था। ठीक। तो जिस टाइम पे मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा था अपना फूड लाइसेंस का और MSME का जी, तो MSME वालों ने मुझसे बोला कि भैया आप देख लेना, यूट्यूब पे चेक करें कहीं कोई और शर्मा जी चाप वाले तो नहीं है जी, वरना आपके ऊपर केस हो जाएगा जी। मैंने देखा तो शर्मा जी निकल आए। अच्छा, मैंने पंडित जी देखा, पंडित जी निकल आए। अच्छा, मैं टेंशन में, मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा ऐसा है। फिर दिमाग तुरंत इंस्टेंटली MBA चाप वाला डाला, वाला भी निकल आया। फिर मैंने सैलड डाल दिया। अच्छा, सैलड डाल दिया। अफगानी और मलाई के प्रिपरेशन में बस ये डिफरेंस होता है कि अफगानी थोड़ी स्पाइस लेवल पे होती है क्रीम के साथ, तो इसमें एक सीक्रेट मसाला डाला जाता है। अच्छा, जिसका पता मुझे भी नहीं है, वो इन्हीं का सीक्रेट मसाला है। अच्छा, कारीगर ये यहाँ के शेफ है जो बनाते हैं, कुमार कामत नाम है इनका। उमेश कुमार, ये कहाँ से अभी यार? ये वैसे मुंबई में काम किया है इन्होंने। अच्छा, 2 साल गुजरात में काम किया है और वैसे ये है दरभंगा से, दरभंगा बिहार। हाँ जी, बिहार से। ये तंदूरी मसाला है, ये रोगन में बनता है, ये तंदूरी मसाला है, घी कश्मीरी लाल मिर्च की रोगन में बनता है। कॉर्नफ्लावर, ये आपका ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स का और कुरकुरे का पाउडर मिक्सचर और थोड़ा इससे आप क्या बनाने बना के चाट मसाला रहता है, इससे बनाते हैं कुरकुरे मोमोज। हाँ जी सर, ये हमारे मोमोज आ चुके हैं, इससे भैया कुरकुरे मोमोज बना। अब हम कुरकुरे इस तंदूरी मसाले में डालेंगे और तंदूरी मसाले में डाल के पूरा इसको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको 1-2 मिनट मैरिनेट किया जाएगा। इस तरीके से मैरिनेट किया जाएगा कि इधर से मिक्सर टकरा के इधर आए, इधर से टकरा के इनके ऊपर आए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि एक पीस कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और ये जब बनेगा तो और फूलेगा। चलिए इसको फ्राई की तरफ लेकर चलते हैं। एक और चीज है, इसको हम उसमें क्यों रखते हैं फ्राई करने की, तेल बहुत गर्म होता है, हम अगर पूरा छोड़ देंगे इसमें तो बेस से लगेगा। इसलिए हमें ऐसे करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भैया ने कुरकुरे मोमोज तैयार कर दिए हैं और वो रही इनकी प्लेटिंग। इसका प्राइस क्या रहता है भैया? 80 रुपीज भैया। दोस्तों कुरकुरे मोमोज के अलावा हमने इन भैया से अफगानी और मलाई चाप का भी प्रिपरेशन करवाया, जिसका प्रोसेस लगभग सेम होता है। काले अमूल बटर और क्रीम, ये अमूल बटर है भैया? हाँ, अमूल बटर है। अमूल बटर जाता है, क्रीम आती है अमूल की। ये चाट मसाला, ये शहजवान चटनी, ये इनकी सीक्रेट ग्रेवी है, बिहार वाले भैया क्रीम, और ये हमारी अफगानी साहब जो भैया दिया। हमने क्वांटिटी में कमी कम लगवाई है ताकि हम आपको टेस्ट करके बता सकें। ये आधी की भी आधी है, क्वार्टर है, क्वार्टर। हाँ तो दोस्तों ये है हमारी मलाई चाप और ये हमारी अफगानी चाप और ये हमारे कुरकुरे मोमोज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारी रुमाली रोटी आ रही है और साथ में है चटनी और प्याज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भैया की दुकान, MBA सेलर चाप वाला, MBA चाप सेलर। तो आप यहाँ पर आकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि टेस्ट में ये कैसी है। तो सबसे पहले मैं अफगानी चाप ले लेता हूँ कैसी है। ये देख सकते हैं आप, ये इनकी अफगानी चाप है क्योंकि देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। सर ट्राई करते हैं इनकी मलाई चाप। और वाह, साथ में आ गई हमारी ये रुमाली रोटी, इनके साथ हम इनको खा जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। और ये हमारी मलाई चाप है, इसको भी टेस्ट करके मैं देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है, इसमें अजवाइन वगैरह भी पड़ी हुई है, वही आप देख सकते हैं इसके अंदर वेजीज भरी हुई है। भैया का जो कुरकुरे मोमोज है ना वो वाला, तो बहुत ही टेस्टी है, उसके अंदर वेजीज भरी हुई है। आप चाहते हो तो पनीर का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।